This is Hidayat Kakkad and I'm back with another episode of Education System in Balochistan. आप सोच रहे हो कि यार आज की वीडियो में फिर एक स्कूल की परेशान कुन हालत होगी जिसमें जो है फैसिलिटीज़ की कमी होगी या टीचर की कमी होगी या फिर बच्चों के ना आने का मसला होगा, लेकिन मैं आज एक बिल्कुल यूनिक वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये वीडियो जो है मैं एजुकेशन सिस्टम को अप्रिशिएट करने के लिए बना रहा हूँ। पहाड़ों के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्कूल बना हुआ है। ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है, दो कमरों पर मुश्तमिल है, लेकिन स्कूल ज़बरदस्त हालत में है और बच्चे पढ़ रहे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा वो यहाँ पर यहाँ का इन्वायरमेंट है कि क्लास रूम में कितना खूबसूरत माहौल बनाया गया बच्चों के लिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंडली माहौल है। मैं आपको ज़रा अंदर लेकर चलता हूँ कि अंदर माहौल कैसा है और बच्चे किस हालत में पढ़ रहे हैं। तो जनाब ये क्लासरूम का जो है माहौल है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अराउंड में जो है बच्चों के लिए इतना ही खूबसूरत किस्म का माहौल बनाया गया। ये जैसे कि आप बच्चे खुद भी देखिए यार, चार बच्चे बैठे, इनके लिए खूबसूरत किस्म का टेबल रखा गया है। आप किस क्लास में थी, कम क्लास की अस्त? हाँ, ये पक्की क्लास में, यानी ये नर्सरी क्लास के बच्चे हैं ना। देखिए यहाँ पर क्लासरूम का मैं एक ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक क्लास है लेकिन यहाँ पर जो है एक ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने सिस्टम बनाया कि क्लास में डिवीजन किया। अब ये जो है ये बच्चे एक क्लास के हैं और ये बच्चे किसी दूसरे क्लास के हैं और ये बच्चे किसी तीसरे क्लास के हैं, जो भी क्लास है वो। सपोज़ वन क्लास वाले यहाँ पर बैठेंगे, टू क्लास वाले फिर यहाँ पर बैठेंगे और फिर जो है कि पक्की क्लास जो है नर्सरी क्लास वो यहाँ पर बैठेंगे। अब ये बच्चे हैं ये आपस में देखकर तकरार कर रहे, पढ़ रहे और साथ में जो है अब फिफ्थ क्लास में यहाँ पर इवन दो एक बच्ची है लेकिन वो बिल्कुल अलग बेटी है और वो अपने पढ़ रही है, और साथ में ये फिर किसी और क्लास की बच्ची होगी, यानी फोर्थ क्लास की या थ्री क्लास की होगी। और मेन चीज़ जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा वो क्लासरूम का माहौल है। ये आई थिंक यहाँ पर इनके मुताबिक ये बिल्डिंग जो है यूनिसेफ वाले ने बनाया, जिस बिल्डिंग यूनिसेफ वाला जो खड़ी थी, इनके मुताबिक जो है ये बिल्डिंग यूनिसेफ जो प्रोग्राम वाले हैं उन्होंने बनाई है, तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत किस्म के उन्होंने ट्री बनाया और उस पर उन्होंने डिवीजन किया है और कैपिटल और स्मॉल लेटर में उन्होंने अंग्रेज़ी के इनसे लिखे और यहाँ पर उर्दू के इनसे लिखे, ताकि बच्चे जो है वो हर वक्त तालीम के साथ जुड़े रहें और वो इनको देखते रहें। साथ में उन्होंने मैथ्स का जो है ऑप्शन देने के लिए वहाँ पर ऊपर जो है कुछ मैथ्स के जो है वर्ड्स लिखे और कुछ इक्वेशंस लिखे, और फिर जो है यहाँ पर जो है बदतजम जिसे दमाज जूल वो लिखा हुआ है ताकि बच्चे जो है मैथमेटिक्स के साथ भी जुड़े रहे। तो ये सिचुएशन है। खुदा ने है बनाए इसमें जाहिर है खुशनुमा। स्कूल के बनाने में और उसको यहाँ तक लाने में जिस बंदे की मेहनत है, जिसकी कोशिशें हैं, वो हमारे साथ कबायली रनुमा नियाज मोहम्मद लाला मौजूद है। नियाज लाला, आप ज़रा ये बताएं कि स्कूल की रंग रोगन किसकी तरफ से की गई? जनाब ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और यूनिसेफ की तरफ से की गई। आप स्कूल का ख्याल भी रखते हैं क्या? जी जनाब, अगर मैं स्कूल का ख्याल ना रखूं तो ये स्कूल इसी हालत में रह नहीं सकता। मिसाल इसके जो पंखे हैं वो फंक्शनल नहीं रहेंगे, जो रंग रोगन है वो इसी तरह नहीं रहेगा। स्कूल के लिए ज़मीन किसने प्रोवाइड की है? जनाब ज़मीन तो मैंने प्रोवाइड की है और विदाउट एनी बेनिफिट्स फी सबीलिल्लाह। मुझे पहली मरतबा बड़ी खुशी हुई है कि मैंने अपने इलाके में ऐसे स्कूल भी देखा है जहाँ पर स्कूल एक्टिव है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से है। और आखिर में मैं औरत जात की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे ख्याल में स्कूल के कामयाब मुनज़्ज़म और खूबसूरत रहने में स्कूल की उस्तानी का किरदार है। शुक्रिया।